अरोड़ा जी से निपटने के लिए सिद्धि जौहर को भेजा जाए तो? जो लगा नहीं देगा वो जा देगा। हे भवानी, जगत जननी, दुख नाशिनी, शक्ति शिवानी, अब तू ही बताएगी मराठों का स्वराज जिंदा रहेगा या इन दरिंदों के हाथों खत्म होगा। जब दुश्मन को हरा ना सके और खुद की हार मंजूर ना हो तो एक ही रास्ता बचता है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, हमला या उसके पहुंचने का इंतजार। एक युद्ध वहां कोंडाणा पर चल रहा है, एक युद्ध मन के भीतर। रॉकिंग स्टडियस बॉस, उनके पास इतना पावर है कि रातों रात अपनी नई फिल्म को भी एक ब्रेकिंग न्यूज बना सकते हैं। देरी है बस एक अनाउंसमेंट की। इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना चुके हैं जब से उस बंदे का लोगों ने पावर देखा है। बाहुबली फिल्म के बाद प्रभास जैसे रातों रात इंडिया के बिग स्टार बन गए थे, लेकिन राधेश्याम फिल्म के बाद लोगों ने धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रभास को इग्नोर करने लगे हैं। लेकिन यही गलती अब नहीं करेंगे एक्टर यस, क्योंकि केजीएफ और केजीएफ 2 के बाद यस की एक अलग इमेज बन चुकी है और अब एक मराठा के किरदार में दिखाई देंगे एक्टर यस। कहा जा रहा है कि ये मूवी काफी मेगा बजट के साथ बनने वाला है। फिलहाल शिवाजी महाराज पर कई फिल्में तो बन चुकी हैं, लेकिन मेगा बजट पर अभी तक मूवी बनी ही नहीं है। और साथ ही दोस्तों, इसी शिवाजी महाराज के किरदार में अक्षय कुमार भी अपनी नई मूवी को लेकर आने वाले हैं, जिसका अनाउंसमेंट हाल ही में ही हो चुका है। हाल ही में ही रिलीज हुई अक्षय कुमार की पृथ्वीराज मूवी, जो मेगा बजट पर बनाया गया था, इस मूवी को भी बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। और अभी देखने की बात होगी कि अक्षय कुमार किस तरीके से शिवाजी महाराज किरदार को निभाते हैं। लेकिन बॉस, यस के आगे कोई नहीं टिकेगा, ये तो लिख लो। अगर ये मूवी आ गई तो थिएटर में आग लगने वाला है और फैंस तो पूरा पागल ही हो जाएगा। वैसे शिवाजी महाराज के किरदार में आप किसे देखना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर बताएं।